हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। उन्नाव से आ रही बड़ी खबर आपको बता। उन्नाव में कल दोपहर उस वक्त हंगामा मच गया जब उन्नाव सदर कोतवाली के सामने एक सिपाही को कुछ लोगों ने पकड़ कर पीट दिया। बताया जा रहा है कि कोतवाली के सामने सिपाही की बाइक अनियंत्रित हो गई और इस दौरान उसकी बाइक का पहिया किसी को छू गया। इसके बाद लोगों ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। वहीं सिपाही ने जब इसका विरोध किया तो लोगों ने सिपाही का कॉलर पकड़कर उसे पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस पूरे हंगामे और मारपीट के बाद कोतवाली पहुंचे सिपाही ने मामले की लिखित तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मारपीट करने वालों की तलाश में जुटी है। मिल रही जानकारी के मुताबिक चुनाव कार्यालय में तैनात आरक्षी शमसुद्दीन दोपहर करीब 1 बजे कार्यालय से कमरे पर खाना खाने के लिए जा रहा था। वो अभी बाइक से सदर कोतवाली के सामने ही पहुंचा था कि अवस्थी स्वीट हाउस के पास उसकी बाइक अनियंत्रित हो गई और उसकी बाइक का पहिया किसी युवक को छू गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान वहां पर मौजूद अवधेश तिवारी, रॉबिन तिवारी, अमन तिवारी, अंकित तिवारी, अर्पित तिवारी समेत अन्य दर्जनों लोगों की सिपाही के साथ तीखी नोकझोंक हो गई। वहीं इस दौरान गाली गलौज होने लगा जिससे मामला गर्मा गया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने सिपाही शमसुद्दीन को बाइक से खींचकर उसे घेर लिया और उसका कॉलर पकड़कर उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। इस पूरे हंगामे के दौरान लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई। वहीं इस पूरे हंगामे का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। कमाल की बात ये रही कि कोतवाली के सामने सारा हंगामा होता रहा लेकिन कोई पुलिस वाला वहां नहीं पहुंचा। बहरहाल सिपाही शमसुद्दीन ने सदर कोतवाली में 7 नामजद लोगों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। सिपाही का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और मारपीट करने वालों की पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। संवाददाता अजय वेदी की रिपोर्ट, उन्नाव यूनिवर्सिटी।